मुख्यमंत्री इस वक्त जयपुर में मौजूद है, उनका संबोधन चल रहा है पशुपालन के कार्यक्रम में, आपको लिए चलते हैं। मेरी साथी और कृषि मंत्री लाल वेंकटाचार्य जी, हमारे लोकप्रिय विधायक की सेवा करने वाले हमारे अभियान साहब, चेयरमैन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, डॉक्टर एनएम सिंह जी, भवानी सिंह राठौड़ साहब और राज्य भर से पधारे पशुपालक और किसान बंधुओं, भाई और बहनों, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कटारे साहब ने, सब ने विस्तार से सब बात कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ये कोई कम बात नहीं है कि आप सबकी मेहनत और जो नवाचार हुए या जो साधन अपनाए गए, चाहे वो नस्ल सुधार की बात हो, चाहे प्रोत्साहन के रूप में 5 रुपये प्रति लीटर हम लोगों ने देना तय किया हो, इन सब प्रयासों से ही आपने बाजी मारी और देश में नंबर वन होना बहुत बड़ी बात है उत्पादन में। उसके लिए राजस्थान भर के, आप तो ही हैं, और राजस्थान भर के जो पशुपालक है वो बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में बहुत संभावना अभी भी है, दूध उत्पादन में नंबर वन हुआ एक बात है, पर गुजरात के अंदर तो सालों से देखते हैं अमूल को, पूरे देश में अमूल जाता है, सरस नहीं जाता है। हालात ये बनने चाहिए कि हम अमूल को बाजी पीछे कैसे रख दें, आगे कैसे बढ़ जाएं। अभी आपने यूपी को पीछे रखा आगे निकल के उत्पादन में, तो राजस्थान के दूध की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के पशुपालक, यहाँ का माहौल, राजस्थान का सर्दियों से अकाल सूखा पड़ता रहता था, जिस रूप में हमारे पशुपालक हो, किसान हो, तकलीफ आई है सूखे के अंदर, कैसे तो अपने पशुओं चारे का प्रबंधन करो, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और डांडों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, कितना मुश्किल काम होता था। फिर रोजगार, मजदूरी कब खुलेगी, सरकार कब खोलेगी, काम कब खोलेगी, बहुत कम पैसे मिलते थे, वो सब टाइम देखा है राजस्थान के लोगों ने, उनके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करने की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा, नए नए रूट खुलेंगे, नए नए प्लांट लगेंगे, आधुनिक प्लांट लगेंगे। तो भीलवाड़ा के अंदर मैं जाके आया 2-3 बार, तो रामलाल जाट साहब चेयरमैन डेयरी के, या रामचंद्र भगवान जो हमारे अजमेर के हैं, वो एक समर्पित है पूरी तरह डेयरी के लिए। अरे कई लोग हैं जो राजस्थान में काम करते, परंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो किसान जो है खेती करता है, और एक तरफ पशुपालन का काम जो है वो भी किसान ही करता है अधिकांश जगह, तो बैलें ज़्यादा बागीदारी निभाती है पशुपालन के अंदर, पर कोई कमी नहीं रखते हैं। और मेरा मानना कि ये जो सम्मान का कार्यक्रम है, पहले अर्जुन बोडक साहब थे हमारे मंत्री मेरे साथ में, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में हम लोगों ने शुरू किया था किसानों का सम्मान करना। इस बार शुरू हुआ है कटारे साहब के आने के बाद में पशुपालकों का सम्मान। उसके पहले सम्मान जो है टीचर का जरूर करते थे अध्यापकों का, वरना तो उद्यमियों का, व्यापारियों का, इंडस्ट्रीज का, उनके सम्मान होता था बड़े बड़े प्रोग्राम होकर के। तो किसानों का सम्मान, पशुपालन सम्मान की नई परंपरा राजस्थान ने शुरू करी है। तो मेरा मानना है कि उसका असर देखने को मिला, आज हम लोग नंबर वन पहुंच गए उत्पादन के। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी तरह से हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। धन की कमी नहीं आने दी जाएगी आपके सेक्टर को मजबूत करने के लिए।
और इसीलिए एक के बाद एक, मैं पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब मैंने पहली बार दवाएं फ्री की थी मनुष्यों के लिए और टेस्ट फ्री किए थे, चाहे डायलिसिस हो, खून की जांचें हो, शुरुआत करी थी। उस वक्त हमने पशुओं की दवाएं फ्री करी थी उस जमाने के अंदर, और अब तो हमने बहुत आगे बढ़ गए हैं। चिकित्सा केंद्र हो, जगह जगह अभी कटारे बता रहे थे आपको कि हर पंचायत में जैसे सब सेंटर बने, बच्चों का इलाज गांव में हो सके, कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा पे और स्वास्थ्य में हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है। दो सड़के ऐसे हैं जीवन में, बाकी तो देखिए पानी भी है वो भी आवश्यक है, बिजली भी है आवश्यक है, सड़कें भी आवश्यक है, पेंशन भी आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। पर अगर सरकार जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जोर दे दे मनुष्यों के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सब सेक्टर में जो मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो ह्यूमन रिसोर्स बनता है, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, चाहे वो पशु की सेवा करना हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र में जाए, उद्यमी बने, व्यापार करे, नौकरी करे। तो शिक्षा का अपना बहुत बड़ा जीवन में महत्व है, और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बिना शिक्षा के जीवन अंधेरा है। पहली बार मुख्यमंत्री था मैंने नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने जोड़ दिया बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ। ये तमाम काम इम्पोर्टेंट है, पर शिक्षा पे हमने इतना जोर दिया कि आप सोचिएगा, अभी कटारी जी कह रहे थे, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, कटारी जी पता नहीं क्या लेनिया है कि ये जॉबनियर के लिए मेरे पास आए थे। पिछली टर्म में जब मैं मुख्यमंत्री था कोई 5-7 दिन पहले आए होंगे मेरे ख्याल से, साहब जॉबनियर कॉलेज है इसको विश्वविद्यालय बनाओ, कृषि कॉलेज थी, और मैंने एक झटके में उस वक्त विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आए साहब इसको वेटनरी यूनिवर्सिटी बना दो, यहाँ पर एक झटके में यूनिवर्सिटी बन गई वेटनरी यूनिवर्सिटी। ये लेने की बात होती है, लेने के मतलब समझ गए, तो ये प्रेम और भाईचारे की बात भी होती है कि आप किस प्रकार एक व्यक्तित्व जो है वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, क्यों सोच रहा है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खुद की ऊंची हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सुझाव को मंजूर करना आसान होता है, वही लागू इनके साथ में होगा। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 75 साल हो गए आज़ादी को, हमें उसमें हमारे राष्ट्र में 250 कॉलेज खुली है, पर अधिकांश कॉलेज वो खुली है, उसमें कृषि नहीं के बराबर, गर्ल्स की बहुत कम कॉलेज होगी। अभी जो मैंने कॉलेज खोली है ये 5 बजट मिला करके 300 कॉलेज उन्होंने खोल दी, 300 कॉलेज खोल दिए, उसमें कृषि कॉलेज भी 20-30-40 होंगी मेरे ख्याल से, गर्ल्स कॉलेज तो 100 से पार कर गई। इस प्रकार से हम शिक्षा भी जोड़ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, कि गांव से भी बच्चियों को लड़कियों को भेजते नहीं हम शहरों के अंदर, तो गांव में ही पढ़ेगा, मौका मिल जाए उनको। ये भी कह दिया मैंने कि 500 लड़के ने आप पढ़े हो स्कूल में, स्कूल में अगर 500 लड़के आने लग गई है वहां पर स्कूल को कॉलेज घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सोच के हिसाब में सरकार शिक्षा में जोर दे रही है। स्वास्थ्य के अंदर हम लोग नंबर 1 देश के अंदर है, ये बता रहे हैं कि करीब 50 कृषि कॉलेज खुल गए, 50 कृषि कॉलेज। स्वास्थ्य के अंदर देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जहां आप, नाम तो बीमे का है पर एक प्रकार से बीमा जो है वो फ्री बीमा है, अधिकांश लोगों के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा उनसे। जैसे आप खेती के लिए देते हैं प्रीमियम कटवाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पैसे वाले जो लोग हैं उनके जो 850 रुपये लेते हैं, सिर्फ 850 रुपये। पहले 10 लाख का बीमा था, अब इस बार हमने 25 लाख का बीमा कर दिया है।
आप सोचिएगा कि हालात जो पूरे देश में बने हैं उसके अंदर वैसे भगवान करे किसी का काम पड़े नहीं, दवाई से नहीं पड़े, अस्पताल नहीं पड़े, अलग बात है, पर एक सिक्योरिटी देना सरकार का, अगर आपके घर में तकलीफ आ गई तो आपको 25 लाख रुपए तक इलाज के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, जिनकी तकलीफ आती है वो जानता है परिवार वाला, बूढ़े माँ बाप भी बीमार पड़ते हैं ना, तो अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, डॉक्टर कहते हैं बचेंगे नहीं ये, तब भी अपन चाहे बचे नहीं तब एक पूरी कोशिश करें बचाने के लिए, घर बिक जाए, गहने बिक जाए, गिरवी रख दो, कुछ भी कर दो, मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ये हमारे संस्कार हैं। और हमने इसीलिए उन संस्कारों को भी ध्यान रखा कि मकान क्यों बिके, गहने गिरवी क्यों रखे, गिरवी रखना ही मैं समझता हूँ बाद में क्या होता है आपको मालूम ही है, कितने गहने वापस आते हैं। तो हमने व्यवस्था कर दी है कि कोई तकलीफ आ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट हो, उन सब का अब जो है इलाज बिल्कुल पक्का हो गया है। ओपीडी सरकारी अस्पताल में फ्री, आईपीडी फ्री भर्ती होने वाला, ये प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं ये ओपीडी को तो अलाउ करते नहीं हैं, पर भर्ती हरमा होता है उसका इलाज भी फ्री, ये हमने व्यवस्था कर दी है। अभी कुछ रिश्ते चल रही उनकी खत्म हो जाएगी, वो हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये कानून पास किया है, सूचना का अधिकार सोनिया गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था देश को, शिक्षा का अधिकार दिया, कानून बना के पार्लियामेंट का शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया कानून बना के देश को, आज मेरी सरकार बदल गई हमारी, मोदी जी आगे प्रधानमंत्री बन गए तब भी नरेगा आज भी लागू रखना पड़ा उनको क्योंकि कानून बन गया था, और खाद्य सामग्री का अधिकार पूरे देश के अंदर गेहूं चावल कितने महंगे हो रहा है पर जनता को 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, कानून के अंतर्गत मिलेंगे। उसी ढंग से अभी हमने कहा प्रधानमंत्री जी को आप सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाओ, सबको पेंशन जो है किसी के रूप में, चाहे मजदूर भी है किसान भी है जिसकी आमदनी खत्म हो गई है और बेटे पोते भी ऐसी स्थिति में नहीं है वो पालन पोषण कर सके, ध्यान रख सके, सरकार की ड्यूटी है कुछ परिवार को पूरी ढंग से पाले जिंदगी भर रहा है, दुनिया के मुल्कों में ये है, ये भी हम कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है, महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए, एक के बाद एक कदम उठाए और इसीलिए हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं रखी है सामने उसमें 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी कर दिया, पहले 5 लाख का था अब 10 लाख का कर दिया, भगवान करे किसी की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो, क्योंकि पानी में डूब जाते बच्चे, कई बार बरसात ज़्यादा आ गई, इस बार ज़्यादा आई थी बरसात, कई लोग डूब गए, तो पहले 5 लाख का बीमा था एक परिवार के लिए, अब हमने कहा कई परिवार दो दो बच्चे एक साथ डूब गए, अनुभव हुआ हमें भी, तो एक बच्चा जो है 3 बच्चे डूब गए जोधपुर जिले के अंदर एक गांव में, एक बच्चा जो था अलग परिवार का उसको 5 लाख मिल गए, दूसरा बच्चा था 2 बच्चे थे एक परिवार के थे उनको 5 लाख ही मिले क्योंकि 5 लाख परिवार का था, इसलिए मैंने इस बार 5 लाख 10 लाख कर दिया, भाई कम से कम उस परिवार को थोड़े राहत मिल सके। तो कहने का मतलब इस प्रकार हम लोग महंगाई को लेकर भी ध्यान रख रहे हैं, अब गरीबों को 500 रुपये में हम दे रहे हैं सिलेंडर, जिनका वो प्रधानमंत्री जी ने वो कौन सी योजना थी उज्ज्वला योजना, इतने गरीब लोग हैं कि वो उज्ज्वला योजना का पहला सिलेंडर खरीद के बंद हो गए, वो टंकियाँ खाली पड़ी रही वहाँ पर, बैठने की काम आने लग गई, अब हमने उनको कह दिया आपके लिए 1150 रुपये का सिलेंडर है वो 500 रुपये में हम देंगे आपको एक हफ्ते दे देंगे, ये शुरू किया है। बीमा ये अपना फ्री है, जो आपका स्वास्थ्य का बीमा है मैंने कहा फ्री है, 850 लेते हैं जो पैसे वाले उनसे, तो पूरे प्रदेश वाले का बीमा हो, अमीर गरीब कोई भी हो 850 रुपये में वो कर सकता है या फ्री कर सकता है। ये जो आपका अभी कह रहे थे कटारे जी
पशुपालकों के लिए जो बीमा लागू किया हमें, लंपी में 40,000 दे रहे मरने वाले गायों को, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं दे रहे होंगे शायद। और साथ में जो बीमा करने की मैंने घोषणा करी है, अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन किया मेरे सचिवालय के अंदर, और पूरा स्कीम मैंने कहा कि इस प्रकार लागू करो कि जैसे हम लोग मनुष्यों का बीमा कर रहे हैं चिरंजीव योजना, 850 ले रहे हैं पैसे वालों से, और 8 लाख रुपये कम अगर मान लीजिए आमदनी है तो जनरल कास्ट हो, SC ST OBC MBC कोई हो, उसी ढंग से पशुपालकों के लिए वो करेंगे कि जिनके 8 लाख से कम आमदनी है उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, ये मैं घोषणा करता हूँ इस मौके पर। उनका बीमा फ्री होगा, प्रीमियम हम देंगे, सरकार देगी प्रीमियम, उनका इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम हम देंगे, आपको कोई पैसा नहीं जरूरत पड़ेगी। बाकी लोगों से क्या कितना प्रीमियम लेंगे वो हम तय कर लेंगे, क्योंकि नई योजना लागू की है इसलिए नई योजना में तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, वो कौन सी कंपनी अग्री होगी नहीं होगी देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग जल्दी चाहेंगे कि आपको खुशी होगी अभी तक 5 रुपये में भी हमने करीब 900 करोड़ रुपए का किसानों को पशुपालकों को हमने लाभ पहुंचाया, 900 करोड़ रुपए लाभ पहुंचा दी। बातें ये हमारे खिलाफ वाले लोग बहुत करते हैं, मैं उन बातों को नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमें तो ये हम लोग हिंदू है ही नहीं, हम मैं हिंदू नहीं हूँ क्या, आपको क्या लगता है ये क्या है, हिंदू है कि मुसलमान बैठे हुए यहाँ पर, आप बताइए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही हमें चुनाव हराते हैं, कब तक करते जाएंगे। महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, तनाव बहुत भयंकर है देश के अंदर, हिंसा हो रही है यूपी सब जगह, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, बताइए, एक पूरी देश की पूंजी जो है वो गिने चुने लोगों के हाथ में आ गई है। हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, ऊपर बढ़े, परिवार प्रति व्यक्ति आए बढ़े ही, हम लोगों ने अभी मेरे में आग्रह नहीं है, मैंने दिए असेंबली के अंदर, पिछले 5 साल पहले जो सरकार थी उससे अभी मेरा आदमी का फर्क आ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़े। पर ये जो हमें बदनाम क्यों करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये समर ये परे हैं, गौशाला पिछली बार मेरे दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो पहली बार देश के अंदर कह रहा हूँ आपको, गांव का मैंने अलग खोला निदेशालय वाला, फिर सरकार बदली तो खाली विभाग बदल दिया उनका नाम, ठीक है ना, विभाग तो रख दिया नाम उसका, खाली नाम बदला काम नहीं बदला, क्योंकि हमने उस वक्त शुरुआत करी थी कि गौशालाओं को अनुदान देने की बात करी थी पहली बार देश के अंदर, और साथ में डायरेक्टर खोल दिया। आपको जाने खुशी होगी उन्होंने 5 साल में सिर्फ 143 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, और हमने इन 4 साल में 2,313 करोड़ दिए हैं, और अब हमने 12 महीने कर दिया उनके लिए अनुदान भी, जो निसर्जन है या जो नंदी है उन सबके। कहने का मतलब है कि ये राजनीति धर्म के नाम पे करना उचित नहीं है, उससे जातियों में भी बिरादरियों में भी धर्म के नाम पर कटुता बढ़ती है, उतना देश हित में है न प्रदेश हित में न समाज के हित में होती है। प्रेम और भाईचारा मोहब्बत ही काम आती जिंदगी में, कोई 1,000 साल की उम्र है नहीं, हमारी उम्र कितनी होती है 100 साल, कोई कोई 110 से 120 साल रहते हुए जिंदा, बाकी तो आप जानते हो 1,000 साल की उम्र हो गए तब तो फिर भी आप समझो भाई अभी तो 1,000 साल जिंदा रहना है, इसलिए अपनी बात करो। सब धर्म सिखाता अच्छी बात सिखाता, तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेयरी बूथ भी खोले जा रहे हैं हमारे यहाँ RCDF से, और जैसा भी बताया मंत्री जी ने पशु चिकित्सा उपकेंद्र 1,219 ग्राम पंचायतों पर जो खुल गए हैं आपके, क्रेडिट कार्ड 90,000 पशुपालकों को जारी किए गए, क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी किए गए हैं, और 2,500 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे,
जहाँ पर आप कलेक्शन भी आसान से कर सकते हैं। तो मैं लंबी बात नहीं कह के आपको इतने कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में